हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अब हम अलजेब्रा की वीडियो नंबर 3 कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए हार्ड काम है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो सकता है। तो आज का काम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। हम पार्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, 3 raised to power 1 by 2, 2 raised to power 1 by 2, 1 raised to power 1 by 6, 6 raised to power 1 by 6। इनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है अपने को। क्या सबसे बड़ी संख्या? इसमें आप देखिए 3 raised to power 1 by 2, 1 by 2, 1 by 6, 1 by 6। इसके अंदर सबसे पहले आप केवल पावर्स लिख लीजिए, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 6, 1 by 6। केवल पावर लिखिए। पावर का एलसीएम क्या आएगा? पावर का एलसीएम तो 6 आ रहा है भाई, 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 6। तो प्रत्येक पावर को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने 6 से प्रत्येक पावर को मल्टीप्लाई किया, 16 किया तो 3 आ गया। यहां से भी 3, ये 1 बच गया, यहां भी 1 बच गया। अब जो बेस थे उनकी पावर ये वाली लेंगे जो अभी हमने निकाल ली। तो यहां पे बेस था 2, उसकी पावर आ जाएगी 3। यहां पे बेस था 1, उसकी पावर आ जाएगी 1। और यहां पर बेस था 6, उसकी पावर भी आएगी 1। अब इसके अंदर इसको सोल्व करेंगे भाई, 3 का क्यूब, 3 3 9 27, 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, 1 की पावर 1 तो 1 ही होता है, पावर चाहे कुछ भी हो तो भी 1 ही लिखा जाएगा। 6 की पावर 1 जो होती है वो 6 ही होता है। अब अपने को सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, तो सबसे बड़ी संख्या 27 आई है। तो ये देखिए नंबर 1 पे है, तो नंबर 1 पे यहाँ पे 3 की पावर 1/2 जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इनको कई बार क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना आ जाता है, आरोही अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही का मतलब असेंडिंग बोलते हैं, चढ़ते क्रम में। सबसे छोटा यानी ये वाली नंबर 1 पे आ जाएगी, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। डिसेंडिंग में लिखना है यानी अवरोही, तो देखिए आरोही अवरोही, आरोही में 3 अक्षर है, इसमें 4 है, इसका मतलब 3 है, तो यहां सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा। तो यानी कि ये 1 तीसरे नंबर पे था, 1 की पावर 1 बाय 6। फिर यहां पे हमारा दूसरे नंबर पे आया है 6, तो इसकी जगह पे 6 की पावर, ये आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 1 बाय 6। ऐसे निशान लगे हुए मिल सकते हैं आपको ऑप्शन में। तो नंबर 3 पे अपने को लिखना 2 raised to power 1 by 2, और फिर 3 raised to power 1 by 2, इस प्रकार से। यदि ये अवरोही में लिखने हैं तो ये टर्म इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये लास्ट में, और निशान ऐसे आ जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। पहली बात तो मैंने आपको बता रखा है कि इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होना किसी नंबर की। अब इसके अंदर यदि यहां पे कोई छोटा सा अक्षर कोई भी लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा जैसे 1/4, 6 लिखा हुआ है 1/6। अब मल्टीप्लाई में और ये पावर है, इस बात को कैसे पहचानेंगे? जैसे अंडर रूट के बाहर यदि कोई बड़ा अक्षर लिखा हुआ है इससे बाहर, तो मल्टीप्लाई का है। और यदि यहां पे भी कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4 से तो मल्टीप्लाई है, और किसी भी नंबर की पावर 1/3 है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो वर्गमूल 2 मतलब 2 की पावर 1/2, ये है 5, और इसका मतलब तो वर्गमूल ये मतलब अब 4 जो पावर है ना, ये 1/4 दे रखी है अंडर रूट के अंदर, यदि ऐसे लिखा मिलता है तो यहां पे 4 की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को लंबा नहीं करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया है, आप लिख कर करके देखें स्टार्टिंग में, जैसे ही आपके हो तो फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं।
वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय थ्री लिखेंगे, उनका एलसीएम देखो भाई क्या आएगा, तो टू फोर और थ्री का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और प्रत्येक पावर को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2 से आ जाएगा 6, 3 और ये आ जाएगा 4, मतलब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दुनी 4, दुनी 8, दुनी 16, दुनी 32, दुनी 64। यहां पर 5 की पावर 3, 5 5 25, 15 125, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौका 256 होता है भाई। सुकेयर क्यूब याद करने पड़ेंगे आपको, कम से कम 30 तक सुकेयर, 10 तक क्यूब, 20 तक टेबल याद होंगी तो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। इसमें आरोही में लिखना है, अब ये भी बताया ये ऑलरेडी आरोही में लगे हुए हैं, छोटे से बड़े की तरफ ऐसे निशान लगा देंगे। 64 किसकी वैल्यू है भाई, अंडर रूट 2 की। 125 किसकी वैल्यू है, ये है 5 और यहां पर पावर है 4, और 4 की पावर 1/3, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर क्या करेंगे, असेंडिंग में लगा देंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसके अंदर वर्गमूल 2 है, तो आप इसको 2 की पावर 1/2 लिख लीजिए, 3 की पावर 1/3 लिख लीजिए, 6 की पावर 1/6 लिख लीजिए। इसमें आपको और एक और भी बचा हुआ अभी, 12 की पावर 1/12, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 जो पावर्स है उनका एलसीएम लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा। प्रत्येक पावर को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें भाई इसमें। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 2 से 6 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 6 से 2 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल 1 हो जाएगा, यानी 2 रेज टू पावर 6, 3 रेज टू पावर 4, 6 रेज टू पावर 2, 12 रेज टू पावर 1, 2 की पावर 6 भाई, 2 दुनी 4, दुनी 8, दुनी 16, दुनी 32, दुनी 64 हो जाएगा, 3 की पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 हो जाएगा, 6 की पावर 2, 36 हो जाएगा, 12 की पावर 1/12 हो जाएगा। इसके अंदर आपको बताना क्या है, सबसे बड़ी टर्म बतानी है, तो 81 सबसे बड़ा आया, सेकंड पोजीशन है, तो स्टेटमेंट में जो सेकंड पोजीशन है वो क्या होगी हमारी, स्टेटमेंट में हमारी सबसे ये हो जाएगी, तो इसके अंदर आप 3 और ये हमारी सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी। सबसे छोटी बतानी है तो इसके अंदर आपका 12 सबसे छोटा है, यानी फोर्थ पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो सबसे छोटा हो जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है तो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा अरेंज कर लेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और एक बात और आपको याद रखनी है, किसी भी अंडर रूट के नंबर की पावर यदि 2 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। इसी बात का मतलब ऐसे भी है कि सेम नंबर की अंडर रूट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है, ऐसा होता क्यों है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, मल्टीप्लाई करते टाइम यदि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये वर्गमूल 2 और 1 और 1 2, मैंने अभी अभी बताया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात, ये कैंसिल भी क्यों होता है, अंडर रूट का मतलब भी मैंने बताया था 1/2 होता है और ये 2 है, तो इसके नीचे 1 लगा लिया हमने, तो पावर से पावर कैंसिल मतलब हो रही है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 1 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी नंबर है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर रूट 6 की वैल्यू आपको गिवन है 2.45, आपको वैल्यू निकालनी है रूट 3 बाय रूट 2 की। हमेशा मैथ के अंदर डिनोमिनेटर जो होता है उसमें अंडर रूट की टर्म नहीं छोड़नी है, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना है। कैसे, जो डिनोमिनेटर है उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो मैंने अभी अभी बताया इसको आप सिंपल 2 लिख पाओगे यदि 2 बार है तो, और ऊपर रूट 6 हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। अब रूट 6 की वैल्यू तो आपको गिवन है,
कितनी 2.45 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 1, और डेसिमल के बाद जीरो वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो और उतारी 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर आंसर आ जाएगा भाई। इसके बाद ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी एचएसएससी एचटेट हर एग्जाम के अंदर, कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर जरूर से जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब रूट 6 की वैल्यू अब की बार इन्होंने 2.449 दे दिया है और हमें बोल दिया कि 3√2 डिवाइड बाय 2√3, रूट कह लो या वर्गमूल एक ही बात है, तो जब भी वर्गमूल का नंबर नीचे आ जाए तो उसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा या रैशनलाइज करेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 2√6 आ जाएगा ऊपर, तो रूट वालों की रूट वालों से ही मल्टीप्लाई होती है, सिंपली याद रखना, यहां पे 2 अकेला है, √3 √3 √3 हो जाएगा भाई, ठीक है, यहां पे 2 से अभी क्या दे रखा है ये इसके अंदर स्टेटमेंट में हमने रेशनलाइजेशन किया है, तो अब बाहर तो 3 था भाई, तो ये 3 ही रहेगा बाहर, अब 3 से 3 कैंसिल होगा, तो रूट 6 की वैल्यू क्या है 2.449 डिवाइड बाय 2, ये 3 जो है ये बाहर ही रहेगा, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 फोर जा 8, 2 फाइव जा 10 हो जाएगा। तसल्ली से ऐसे डिवाइड करके देख लेना जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक, ठीक है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इनके शॉर्टकट अपने आप बनते जाएंगे, कुछ स्टेप्स आप क्या है रिमूव कर सकते हैं बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रूट 5 की वैल्यू गिवन है 2.236, ये डायरेक्ट रूप से भी वैल्यू होती है इनकी, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है रूट 5 की वैल्यू क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में मतलब आगे कभी फिर मतलब सिखाएंगे आपको, तो इसके अंदर निकालना है 16 डिवाइड बाय 3 प्लस रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, तो जब भी ऐसी टर्म आ जाए रूट वाली तो रैशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, जब ये नंबर अकेला है नीचे कोई निशान नहीं है तो उसी से गुणा और भाग कर दिया जाता है, जब बीच में कोई निशान आ जाए तो पहला स्टेप यही है कि इस निशान को बदल लेंगे भाई और बाकी एज इट इज लिख देंगे ऊपर और नीचे। रैशनलाइजेशन का मतलब है किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैथमेटिक्स में आप कर सकते हैं ऐसा, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सेम नंबर, तो अब क्या होगा यहां पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब ऊपर तो एज इट इज लिख लेते हैं 3 माइनस रूट 5 और डिवाइड में हम देखिए आपको आइडेंटिटी बताई थी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली फॉर्म अपने को दे रखी है नीचे, तो इस पे ये आइडेंटिटी लग रही है, साधारण नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब 16 इंटू 3 माइनस रूट 5 की वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे 2.236 डिवाइड में 9 माइनस 5 4, अब इस 4 को आप अंदर नहीं काट सकते चाहे कट रहा है तो भी, केवल ब्रैकेट्स के बाहर कोई नंबर है और जो मल्टीप्लाई डिवाइड में वही नंबर आपस में आप कैंसिल कर सकते हैं, अब ये 4 जो है ये बाहर रहेगा, अब 3 माइनस, अब इसके अंदर से माइनस करना है तो सिंपल है कि किसी भी नंबर के बाद डेसिमल और उसके बाद बहुत सी जीरो होती है, या 3 डिजिट है मैंने 3 ले ली, 5 डिजिट होते 5 जीरो ले सकता हूं, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के और ये इस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4, तो कैरी गई तो 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 2 0, अब ये वैल्यू आ गई है और 4 से इसको क्या करना है गुणा करना है 0.764 को, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 1, 4 छिक 24 और 1 25 2, 4 सते 28 और 1 29, 3 के बाद डेसिमल था वही लगा रह जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी घर पे उससे आप प्रैक्टिस जरूर करके देखें सेम क्वेश्चंस की।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री, इसके अंदर आपको रैशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण ही करना पड़ेगा जब भी नीचे अंडर रूट वगैरह दिखाई दे। तो सेम नंबर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया निशान बदल जाता है बीच का, तो इसके अंदर माइनस, ठीक है। तो इसके बाद ब्रैकेट लगा लीजिए, ऊपर तो एक जैसे हैं भाई, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते टाइम्स पावर ऐड हो जाती है, मींस रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो रूट पांच का स्क्वायर पांच, रूट तीन का स्क्वायर तीन। अब ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आइडेंटिटी लगेगी, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और माइनस टू ए बी, तो रूट वालों की रूट वालों से सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पाँच थी पंद्रह, बटे में आ गया पाँच माइनस तीन दो। अब केवल सिंपल वाले नंबर जुड़ेंगे, इसके साथ तो रूट फिफ्टीन है, अनलाइक टर्म है, तो पाँच और तीन आठ माइनस दो वर्गमूल पंद्रह। अब कई बच्चे आठ में से दो भी माइनस कर देंगे, नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ रूट फिफ्टीन है, अनलाइक टर्म है ये, इसमें से दो कॉमन ले सकते हैं आप, तो दो जो कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा चार माइनस रूट पंद्रह बटे में दो, दो से दो कैंसिल, चार माइनस रूट पंद्रह इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें रूट पंद्रह की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देना, अदरवाइज सीधा सोल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी सेवन प्लस फोर रूट थ्री, वर्गमूल निकालना है। जब भी किसी नंबर का वर्गमूल निकालना है तो याद रखना वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर जरूर होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पे माइनस है तो जो माइनस की आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे। सबसे पहले चार रूट तीन के ऐसे टुकड़े बनाओ जिसके अंदर उनका स्क्वायर्स का सम क्या बन जाए, सेवन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू तो एक्स्ट्रा होता ही है, तो टू तो फॉर्मूले वाला, और फोर फोर टू टू जा फोर होता है, तो एक दो उड़ा लिख लिया भाई, और एक लिख लिया रूट तीन। अब देखिए टू ए बी कर लिया मैंने, मान लिया कि भाई ये ए है मेरा ये बी है, ठीक है। तो ए का मतलब दो का स्क्वायर प्लस रूट तीन का मतलब उसका स्क्वायर, तो ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है। कैसे, दो का स्क्वायर चार, रूट तीन का स्क्वायर तीन, चार और तीन सात, प्लस में टू ए बी का मतलब ये मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। कोई भी नंबर है उसमें से टू तो अपने को एक्स्ट्रा निकाल के छोड़ना है, फिर जो नंबर बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई जो है वो यहां पे हो जाएगी, और उनका अलग अलग वर्ग करके उनको जोड़ के देख लेना ये पहले वाला नंबर बनेगा। तो अब ये इसके अंदर चल रहा है ऐसे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए और बी का रोल किसने, टू और रूट थ्री ने निभाया है, इनका होल स्क्वायर। इसको कन्वर्स करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, और इसके ऊपर था वर्गमूल, मैंने बताया था स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री। किसी भी नंबर का वर्गमूल यदि आपको निकालना है तो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर जरूर होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 प्लस 14 रूट थ्री का वर्गमूल। एक बात और, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं में से बन जाएंगे, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है सारे, लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं आते हैं तो प्रैक्टिस जरूर करके देखें। अब मैंने आपको बताया था जो मेथड है उसके मुताबिक 14 को हम 2 इंटू 7 लिख लेते हैं और वर्गमूल में 3, 2ab वाला केस बन चुका है हमारा। अब चेक कर लो 52 बनता है क्या इनका स्क्वायर्स का सम, 2 का स्क्वायर भाई 4
ये दो नहीं लेंगे आप, ये तो दो तो फॉर्मूले का है इस नंबर का, सात का स्क्वायर 49, रूट तीन का स्क्वायर 3, इन दोनों का सम, इन बाद वाले दोनों नंबर्स के वर्ग का जोड़, स्क्वायर्स का सम क्या बनना चाहिए, पहले वाला नंबर बन रहा है भाई 52, ठीक है। तो आप क्या करें, ये सात जो है इसका स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला पूरा हमारा बन चुका है। इसके बाद पहले दो ही नंबर का यूज किया जाता है, इनका स्क्वायर है, खोल के देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका अंडर रूट, ये कैंसिल, 7 प्लस वर्गमूल 3, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा सम दिखाई दे जाए सोच लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो प्रयोग होगा भाई, बीच में माइनस का निशान है तो या माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू गिवन है 5 प्लस 2 रूट 6, और आपको वैल्यू निकालनी है रूट एक्स माइनस 1/√x की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहले तो वही काम, अंडर रूट निकाल लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर देखिए आप सबसे पहले 2 तो फॉर्मूले वाला में चाहिए था, अब रूट 6 के क्या फैक्टर बन रहे हैं, रूट 3 और रूट 2, ये आप कर करके देखेंगे तो आ जाएंगे आपको। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने, 3 और 2 5 बन रहा है, यहां पे 7 होता तो भी बन सकते हैं, कैसे, आप इसको रूट 6 और 1 तो होता ही है मल्टीप्लाई में, तो रूट 6 और 1 ले लेंगे यदि यहां पे 7 लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो अब आप इसको रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, रूट एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इनका डिफरेंस डायरेक्ट रूप से स्क्वायर करने के बाद यदि 1 बनता है तो डायरेक्टली वो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू होती है, होती क्यों है प्रूव कर देता हूं, 1/√x निकालना आपको, यानी इसको नीचे लिख लो भाई, इसके बाद इसका रैशनलाइज करेंगे, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, नीचे वाले के निशान चेंज करके, इसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी, रूट 3 माइनस रूट 2, 2 बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी से, ऊपर ये बच जाएगा, तो ये तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 बच गया, और 1 नीचे लिखो या ना लिखो तो ये नंबर आ गया। अब इन दोनों का सम बोलते हैं तो सीधा इनको ऐड कर देना, और माइनस बोलते हैं तो ब्रैकेट लिख के जो भी वैल्यू आई है उसकी वैल्यू रख देंगे। इसके बाद वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, आगे खोल देंगे वर्गमूल 3 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर जाके सभी निशान बदल जाते हैं, ये कैंसिल, 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है, 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 3 की पावर 40, 2 की पावर 50, इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है, बड़ी भी पूछ सकते हैं, इनको आरोही अवरोही क्रम में भी लगाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले इनकी पावर सेम करनी होती है, क्या करनी होती है, पावर सेम करनी होती है। तो पावर सेम कैसे होगी, तो इसको देखिए हमेशा पावर की पावर से मल्टीप्लाई की जाती है, जैसे ए की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो आप इसने पावर की पावर से मल्टीप्लाई ए की पावर 6, तो आप इसको 6 को ऐसे दोबारा भी लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो जरूरत पड़ने पर, 3 और उसकी पावर 2। तो वैसे ही मैं यहां कोशिश करता हूं कि 2 में अलग ले लेता हूं और 10 बार ले लेता हूं, क्योंकि सबके बाद मतलब क्या लगा हुआ है 0, मतलब 10 तो मल्टीप्लाई है सब में, तो जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको अंदर भेज के देखते हैं, पावर सेम हो तो रही है हमारी, ठीक है। तो 4 इसकी पावर 3
और 10 10 30 बन रहा है, इसकी पावर 4 कर देंगे 4 2 40 बन रहा है, इसकी पावर 2 कर देंगे ये 5 और 10 5 50 बन रहा है, 20 सोल्व कर लो भाई, तो 20 सोल्व किया तो 25 की पावर 10, फिर 4 4 16 64 की पावर 10, 3 की पावर 4 81 होता है उसकी पावर 10, और 2 की पावर 5 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 की पावर 10। अब बेस जो पावर वो सेम हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे, इनमें से क्या बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है, तो सबसे छोटा नंबर जो बताएंगे वो कौन सा हो जाएगा, ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर जैसे ही आपने मतलब इसके अंदर किया वो आपका 25 की पावर 10 बना, इसका मतलब ये आपका सबसे स्मॉल नंबर है भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ा बताना होता तो जो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा हो जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में बताना है तो वो भी मतलब आप इसको अरेंज कर सकते हैं, 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे 4 नंबर पे, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी लिखने हैं वैसे लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।